बहू का नेग। शीना को उसके ससुराल वालों ने एक शादी में पसंद कर लिया था। वो लड़की तो बड़ी प्यारी है, मेरे बेटे अमन के लिए बात चलाओ ना। फिर क्या था, किसी रिश्तेदार के दखल से दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शीना की सास पारुल और उसकी देवरानी आसपास ही रहते थे। शादी के बाद शीना कहती है, सुनिए जी, ये चौका छूने की क्या रस्म होती है जानते हैं क्या आप? अरे नहीं यार, हाँ पर मम्मी को चाची से बोलते सुना था कि आज तुमको किचन की जिम्मेदारी देंगे, तो वो लोग आ रहे हैं खाना खाने हमारे घर। हे भगवान, ये कैसी रस्म है, साड़ी पहनकर किचन में खाना बनाना, ये तो कंप्यूटर की कोड को डीकोड करने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। अरे चिंता क्यों करती हो, माँ है ना, सब संभाल लेंगी, वो बहुत समझदार है। पति की बात ठीक लगती है। वहीं घर पर शीना की चाची सास ससुर और उनकी बहू खाने पर पहुंचते हैं। शीना की चाची सास उसकी सास से कहती है, अरे कहाँ है दीदी, आप अभी भी किचन में हैं क्या, रस्म बहू की है या आपकी? चाची की बहू, अरे हमारी चौका छूने की रस्म थी तो हम तो सुबह 4 बजे ही किचन में पहुंच गए थे। अरे तेरी ताई ने सर पर चढ़ा रखा है बहू को। शीना सबकी बात सुने बगैर सामने आती है, अरे आज तो तेरी चौका छूने की रस्म थी ना, तुम ही देर से आई हो। वो चाची, मुझे ना साड़ी बांधने में देर हो गई। तो वक्त से उठा करो ना, पता है जब नई शादी है, रस्में होनी है, तो फिर थोड़ा कम आराम कर लोगी तो कुछ घट नहीं जाएगा। शीना की सास को बहुत बुरा लगता है कि चाची उसकी बहू से ऐसे बात कर रही है। अरे शीना चलो किचन में, मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि कैसे क्या करना है। देखो मैंने सब बनाकर यहाँ रख दिया है, तुम्हें सिर्फ हलवा बनाना है, उसकी भी पूरी तैयारी कर दी है बेटा, बस किशमिश डालकर हलवा में मिलाकर लेकर आ जाना। बस फिर क्या था, एक एक कर शीना सारा खाना टेबल पर लगा देती है। अरे बहू ने इतना सब बना दिया, वाह जी वाह। तभी शीना बोल देती है, नहीं नहीं चाची, ये सब तो माँ ने बनाया है, मैंने तो सिर्फ इसे टेबल पर लगाया है, वो साड़ी पहनकर काम करना अभी थोड़ा मुश्किल होगा ना। चाची सास तो सुनकर मानो बेभर ही जाती है। ये क्या बात हुई दीदी, मैं जब शादी कर आई थी तो आप बड़ी थी, पर किचन में ना आप आई और ना माँ जी। हाँ क्योंकि उस वक्त मैं बहू थी और मुझे सास के हिसाब से काम करना था, लेकिन अब मैं सास हूँ तो मैं बहू को वैसे ही बनाऊंगी ना जैसा कभी मैं बनना चाहती थी। खैर चाची सास खाना खाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद, अरे शीना ये क्या पहन रखा है, हे भगवान इस परिवार में क्या हो रहा है। अरे क्या हुआ छोटी, इतना क्यों चिल्ला रही हो, इसने पहना क्या है, अरे दीदी क्यों इतनी छूट दे रही हो। शीना जो कि सलवार सूट पहने खड़ी थी, चाची के गुस्से को देखते ही अंदर चली जाती है। देख छोटी, हम दोनों को आज की बहुओं से तुलना नहीं करनी चाहिए, वो दौर अलग था, आज का वक्त अलग है। देखिए दीदी, ये तो परंपरा है, हमारी सास ने हमें दी और आगे हमें अपनी बहुओं को देना है, ये क्या लगा रखा है आपने, आप तो पूरी संस्कृति ही खराब कर रही हैं। ये बोलकर चाची सास वहाँ से चली जाती हैं। शीना की सास चाची की बात से परेशान होकर रोने लगती है, तभी उसका पति वहाँ आ जाता है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, फिर तुम्हारी देवरानी तुमको ताने देकर चली गई है क्या? हाँ, पता नहीं मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं, पर मुझे तो बहू के सूट पहनने में कुछ गलत नहीं लगता। अरे लोगों की बहुएं तो न जाने क्या क्या पहनकर घूम रही हैं। मैं तो उसे भी बुरा नहीं मानती, ये क्या मेरी गलती है? अरे नहीं बिल्कुल नहीं, अपने किए फैसले का सम्मान करो, ठीक है सब। कुछ दिन निकल जाते हैं, फिर आता है शीना का पहला करवा चौथ। अरे शीना बेटा, यह त्योहार हमारे घर में बहुत मायने रखता है, तुम शाम की पूजा के लिए अच्छे से तैयार हो जाना, और सुनो चाची सास और उनकी बहू भी यहाँ आएंगी पूजा के लिए, तो खाना भी बनाना है,
वो मैं बना लेती हूँ, तुम बस आज के दिन साड़ी पहनना बेटा। शीना समझ नहीं पाती है कि चाची सास के आने पर उसकी सास उसे साड़ी पहनने को क्यों बोलती है। नहीं नहीं माँ जी, मैं सारा खाना बना लूंगी, आप उसकी चिंता ना करिए, अब तो मैंने सब कुछ सीख लिया है। शीना की सास उसकी बात पर खुश हो जाती है। छोटी को पता ना चले ही कि मेरी बहू घर में सूट पहनती है, तो मैंने आज साड़ी पहनने को बोल दिया। क्यों लोगों को बिना वजह बात बनाने का मौका दें। शाम को सब पूजा पाठ करके बैठे होते हैं कि चाची सास की बहू चाची सास से कहती है, माँ जी आज के दिन तो आप लोगों के घर बहुओं को नेक दिया जाता है ना? हाँ हाँ बहू, बोलना तुझे तेरी सास से क्या चाहिए। हाँ शीना बेटा, तू भी बता दे कि तुझे क्या चाहिए। मम्मी जी मुझे ना आपका वो रानी हार चाहिए जो आपने अभी पहना है। चाची सास थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ हाँ ले लेना, सब तेरा ही तो है। तुझे कौन सा? माँ जी मुझे नेक में आपसे परमिशन चाहिए कि आप मुझे नौकरी की इजाजत दे। आप तो जानती हैं कि मैं और ये एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में साथ में थे, लेकिन आज वो कहाँ है और मैं कहाँ। वाह जी वाह, ये भी सुनना बाकी रह गया था, इस खानदान की बहू नौकरी करने बाहर जाएगी। और मैं भी तो इंटर पास हूँ, पूरे सेकंड डिवीजन, लेकिन कभी मजाल है कि नौकरी की बात की हो। पर दीदी मैंने MBA किया है, वो भी बड़े संस्थान से। तभी शीना का पति और ससुर भी वहाँ आ जाते हैं। देखो बेटा, मैं वही सोच रहा था कि तुम नौकरी करने के लिए क्यों नहीं बोल रही हो, मुझे लगा शायद तुम नौकरी करना नहीं चाहती हो। नहीं पापा, वो तो हमेशा से ही कुछ नाम कमाना चाहती है, अपने माता पिता को भी इसने कहा था कि वो आप लोगों को अपनी तरह से समझ लेगी। सास को शांत देकर शीना कहती है, मम्मी जी मैं वादा करती हूँ घर का सारा काम करके ही ऑफिस जाऊंगी, खाना पीना किसी भी चीज के लिए घर वालों को परेशानी नहीं होने दूंगी, वक्त से पहले उठूंगी और काम वाली को भी हटवा दूंगी। शीना की बात सुनकर सास हंस पड़ती है। अरे शीना ये ज्यादा हो गया। बिल्कुल काम करो बेटा, पढ़ी लिखी हो, नौकरी में अच्छा कर सकती हो, जरूर बेटा, दिया तुम्हें तुम्हारा नेग। हाँ पुरानी परंपरा जरूरी नहीं कि अच्छी ही हो, कभी कभी बदलाव लाना भी जरूरी होता है, जिसे देर से ही सही लेकिन समाज अपना ही लेता है,